हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, एक अपडेट निकल के आया है यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसीज को लेकर। काफ़ी सारे छात्र काफ़ी दिन से ग्रुप डी की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, खासकर हमारे आईटी वाले छात्र। ठीक है, काफ़ी दिन से सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी इस दिन आएगी, इस दिन आएगी। तो भैया, यहाँ पर फिलहाल एक अपडेट जारी हुआ है रोजगार समाचार की ओर से कि वैकेंसीज को लेकर एक ग्रुप डी की अपडेट है, और ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है ना। और अब कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ नोटिस के बारे में, ठीक है, ये एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के जरिए बताया गया है। ध्यान रखना, ये कोई रेलवे का देखो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा रोजगार समाचार आते हैं, ठीक है, रोजगार समाचार पत्र आते हैं, इंग्लिश में भी निकलते हैं, हिंदी में भी निकलते हैं। इसी प्रकार से बंगला भाषा में कलकत्ता में जो है यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर अभी यहाँ पर छपने वाला है, अभी जारी नहीं हुआ। जैसे कुछ दिन पहले प्रिंट करवा कर रख लेते हैं कि छपेगा, तो ये 23 नवंबर को जो है यहाँ पर एक्टिव होगा उनके वहाँ पर रोजगार समाचार पत्र में। ठीक है ना, इसमें इन्होंने बताया कि रेलवे ग्रुप डी में कितने हज़ार पद हैं। भैया, 50,000 पदों पर जो है वैकेंसीज आने वाली है, ध्यान रखना। 50,000 पदों पर कब आने वाली है, ध्यान रखना, वो आने वाले दिसंबर में। देखो, ये फिलहाल जो आपको दिख रहा है ना, ये हिंदी में ट्रांसलेट हुआ हुआ है। ठीक है, बंगला मेरे पास तो आती नहीं, ठीक है ना। हो सकता है आप कलकत्ता साइड से हो तो आपके पास आती होगी, लेकिन बंगला भाषा में था इसलिए इसको ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है, ये है 23 नवंबर को छपेगा। ठीक है, आज तो 20 ही है, लेकिन ये 23 तारीख को छपेगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। जैसे अब देखो, ये फिलहाल बंगला में आएगा, उसके बंगला में छपेगा, बंगला भाषा में उधर के, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में भी आएगा, फिर इंग्लिश में भी आपको जल्दी देखने को ही मिल जाएगा। ठीक है ना, और भर्ती भी जहाँ तक अब की बार लग रहा है जल्दी ही आपको दिसंबर महीने में देखने को मिल जाएगी, और इसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है हिंदी और इंग्लिश का भी अगले हफ्ते आ ही जाए रोजगार समाचार में। ठीक है ना, भर्ती जो है अभी 50,000 बताई जा रही है कि भैया कुल जो पद आएंगे वो आएंगे 50 के, यानी कि 50,000। देखो, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि 50,000 ही पद आएंगे, अप्रोक्स माना जा रहा है फिलहाल। इसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी कम नहीं होंगे और ज़्यादा भी बढ़ने वाले हैं नहीं, इर्द गिर्द इसके रहेंगे, 50,000 के इर्द गिर्द ही पद रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख लो क्या रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि देखो, ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये आपको जो टाइप हुआ दिख रहा है, ये टाइप हुआ नहीं, ये बंगला भाषा में था, इसको गूगल ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे हुई है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हुई है, ध्यान रखना। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखो, यहाँ से पढ़ते हैं, ग्रुप डी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं बच्चे, मतलब यहाँ पर पास लिखा हुआ है फिलहाल, मैंने बताया ना कि आगे पीछे हुआ है, एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी आईटीआई है ना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने पर भी आवेदन करने के पात्र है ना, एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है ना, एनसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विधान आवेदन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उन्होंने भाषा में लिखा है। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको सही से पढ़ने की कोशिश करूँ तो इनका कहने का मतलब ये है सही से कि भैया यहाँ पर एक तो 10th वाले, मतलब 10th+ ITI वाले छात्र, और ITI में कौन सी, किसी भी ट्रेड से, आपने ITI कोई सी भी ट्रेड से किया हो, या फिर आपके पास 10th+ NAC, NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या तो आपके पास 10th+ ITI होना चाहिए या फिर 10th+ NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मुद्दा एक आता है, यहां पर एक और चीज लिखी गई है कि हालांकि इस पद के लिए ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। देखो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बना हुआ है, ये देखो मैंने बताया कि ये बंगला भाषा में छपा है, तो इसमें जो लैंग्वेज है वो ऊपर नीचे हुई है। तो मैंने आपको काफी दिन पहले एक बात भी बोली थी कि जो अभी ये तो क्लियर है, आप इसकी टेंशन छोड़ दो कि आईटी इसमें क्यों लिखा है। इसका कहने का मतलब है, मैंने बताया था कि पूरी की पूरी वैकेंसी ITI बेस पर नहीं आने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको क्लियर करता कि 10th बेस पर भी कुछ भर्ती देखने को मिलेंगी, 10th पास वालों के लिए भी भर्ती आएगी। वो कौन कौन सी भर्ती होगी, जैसे गेट मैन की होगी है ना, गेट मैन वगैरह हो गए, जो उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए, उसमें सिर्फ ओनली 10th पास वाले अप्लाई करेंगे, और जो बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं ठीक है ना, उसमें ITI वाले छात्र। अब आप कहोगे फिर फायदा क्या, तो भैया जो ये 10th वाले हैं ना, मान लीजिए 100 भर्ती आ रही है, 100 वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है ना, 100 पदों पर वैकेंसी निकली है, इसमें 80 पद तो होंगे हमारे ITI वालों के लिए और 20 पद होंगे कौन से, 10th वालों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल ग्रुप डी में पोस्ट होती है बहुत कम देखने को मिलती है, जो 10th लेवल पर आएंगी,
ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। टेंथ वाले भी अप्लाई करेंगे लेकिन कुछ पोस्ट पर आएगा, कुछ पदों पर ध्यान रखना, हालांकि इस पद के लिए, इस पद के लिए, ठीक है ना। कोई पद है जैसे मान लीजिए गेटमैन होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, उसमें अनिवार्य नहीं है, तो इसकी आप टेंशन छोड़ दो, आईटीआई है अनिवार्य है लागू है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आयु की बात कर ले, 18 साल से लेकर के 33 साल आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल से लेकर के 33 साल, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है ना। अब सिर्फ इसी साल उम्र में 3 साल की बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब होगी वो तो मिलेगी जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से, क्योंकि आप लोग जानते होंगे भर्ती लेट हुई है, बीच में कोविड भी आ गया था, तो इस रीजन से छूट मिलेगी। और जहाँ तक उम्मीद 18 साल से 33 अभी बताई जा रही है एज क्राइटेरिया, जिसमें 3 साल की छूट किसको मिल जाएगी, ओबीसी वालों को, और 5 साल की छूट मिलेगी SC ST वालों को, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरिया रहने वाला है, तो अभी देखना ये है कि कब तक डिपार्टमेंट भर्ती रिलीज करता है। तो जहां तक उम्मीद अभी जताई जा रही है कि दिसंबर महीने में 100% आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, और जल्दी ही आपको हो सकता है नवंबर इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है। तो याद रहना ये बंगला भाषा में था, ये बताना जरूरी था कि भाई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो रोजगार समाचार होते हैं उसमें भी अब छपने वाला है चीज़ें, ये चीज़ें अब यहाँ जहाँ तक उम्मीद एक्टिव हो चुकी हैं। देखो प्रक्रिया, भर्ती की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट है, मतलब जल्दी ही कभी भी भर्ती रिलीज हो सकती है ग्रुप डी की अब, ठीक है ना। और आएगी ये 2025 से पहले ही, इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि 2024 में ही आपको दिसंबर में भर्ती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आंकड़ा उन्होंने इस हिसाब से लगा रखा है, ठीक है ना। तो दिसंबर में 100% आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी ग्रुप डी की। अब वो भर्ती कितनी आएगी, 50,000 के इर्द गिर्द रहेगी, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और उसमें वही है 10th+ITI या फिर 10th+ NAC, और कुछ पदों पर 10th वाले छात्र भी फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए तो फिर आज की ये अपडेट थी, आई होप लोग समझ चुके होंगे। जैसे ही रेलवे ग्रुप डी को लेकर कोई भी और अपडेट आती है तो आपको सूचना मिल जाएगी आईटी एग्जाम पर ही, ठीक है ना। इसी के साथ यदि आप आईटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भाई आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको आपकी कोई सी भी ट्रेड हो तो आप वहाँ पर अपने ट्रेड के अनुसार अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाकर के अपना कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2025 में आईटी एग्जाम जो होने वाले हैं जून जुलाई के लिए, उसकी हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। तो आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। धन्यवाद साथी।